इंदर विधानसभा में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गोड्डा में की आतिशबाजी। मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत से उत्साहित पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने रविवार की देर शाम में को बसुआ चौक पर जीत का जश्न मनाया। मौके पर आतिशबाजी की एवं एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां जाहिर की। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक दीपिका पांडे सिंह भी उपस्थित थी। बसुआ चौक पर विधायक दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मांडर से नवनिर्वाचित विधायक नेहा शिल्पी तिर्की की जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं के द्वारा पटाखा फोड़कर एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर लड्डू बांटकर जश्न मनाया गया। विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि रांची में विपक्षी के द्वारा कई तरह के मुद्दे उठाकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया गया था, लेकिन लोगों के द्वारा भारी मतों से वोट कर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करवाया। मतदाताओं ने विपक्ष को जवाब देने का काम किया है। विधायक श्रीमती सिंह ने कहा कि अभी तक झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के 4 महिला विधायक थीं, जो अब बढ़कर 5 होगी। कांग्रेस की 5 विधायक पूरे पंजे को दर्शाकर अपनी पहचान दिखा रही हैं। मौके पर कांग्रेस नेत्री ललिता जायसवाल, मुन्ना राजा, रॉबिन मिश्रा, प्रवीण मिश्रा, उमेश झा, विपिन बिहारी सिंह, मिन्हाज, पवन यादव, मनोज दास सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए मांडर में कांग्रेस की प्रत्याशी नेहा शिल्पी तिर्की जी, जो सम्मिलित पूरे महागठबंधन की प्रत्याशी थी, कांग्रेस के सिंबल में लड़ी। आज वो भारी मतों से विजयी हुई। विपक्ष को लगातार तरह तरह के हथकंडे अपना करके, रांची जैसे शहर को डिस्टर्ब करके या प्रयास के सांप्रदायिक माहौल बना करके जीत हासिल करें, वो अभी विफल हो गया। आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी के, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के और हमारे विधायक दल के नेता आलम जी के कुशल नेतृत्व में और पूरे महागठबंधन के जो महान साथी, उन लोगों ने वहाँ मोर्चा संभाला। बंधु तिर्की जी पर जो गलत आरोप लगा कर जो उनकी सदस्यता खारिज की गई, जो विपक्ष का एक षड्यंत्र मानते हैं हम लोग, आज उसका जवाब जनता ने दे दिया है। और गौरी खुशी इस बात की है कि सदन में एक और महिला की संख्या बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी की हम 4 महिला विधायक थी, आज नेहा शिल्पी तिर्की जी भी जीत करके आई हैं और कांग्रेस का पंजा पूरा हो गया है।